प्रश्न स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं वॉइस एडवांस लेवल पार्ट टू के बारे में। जैसा कि पार्ट वन मैंने अपलोड किया था और आपको आशा करता हूँ कि उससे काफ़ी मदद मिली होगी। और आज हम लोग पार्ट टू, एडवांस लेवल पार्ट टू, मतलब कि और जो एडवांस लेवल में रूल्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें। तो आगे बढ़ते हैं रूल्स की तरफ और देखते हैं कि अगला रूल क्या है। तो ये देख देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर रूल्स है वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट का यूज होता है, और इन दो ऑब्जेक्ट में हम जिस ऑब्जेक्ट से चाहें उस ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर देना चाहते हैं, किस जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहते हैं, प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ कि जनरली वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। आमतौर से दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, ये निर्जीव चीज़ों को बताता है, एंड जनरली कम्स आफ्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आमतौर से ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। ये आमतौर से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट है। और पहला क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ देख सकते हैं आप, डिनोट्स लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स को यानी कि सजीव को डिनोट करता है, तो उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख लिए स्टूडेंट कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ताकि हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। आगे देख लेते हैं इसका पैटर्न क्या होता है, मतलब किस प्रकार का पैटर्न होता है एक्टिव से पैसिव बनाने का। एक्टिव पैटर्न क्या होता है और पैसिव पैटर्न क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट, एक्टिव पैटर्न में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से क्या होता है? उसके बाद से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो आते हैं पैसिव, देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो पैसिव में सबसे पहले, यानी कि मैंने कहा था कि दोनों जो दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, इन दोनों में से किसी ऑब्जेक्ट से, या इससे या फिर इससे, आप क्या कर सकते हैं? पैसिव बना सकते हैं। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप किस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा प्राथमिकता देने वाले हैं, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है, अगर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस वाइज क्वेश्चन जो होता है, इसमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट से, यानी कि डायरेक्ट से या इनडायरेक्ट से, किससे सेंटेंस सही बनाया गया है, आप उसे टिक करें। तो यहाँ पर देखिए, इसका पैसिव में पहला जो पैटर्न होता है, फर्स्ट पैटर्न, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले हम बनाते हैं इनडायरेक्ट से, इसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ वर्ब दिया गया है इसके अनुसार हमको कोई हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, इसके बाद से इसी वर्ब का हम भी थ्री यहाँ लिख देंगे, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर क्या करेंगे? बाई और एजेंट, जैसा कि हम पहले से करते आए हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं, ही गेव मी ए पेन। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ही गेव, यहाँ वर्ब हो गया, यही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यहाँ मी जो है ये सजीव है यानी कि लिविंग थिंग्स, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पेन जो है ये निर्जीव है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इस पहले रूल से बनाना है, तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे पहले, यानी कि आई आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, इसके बाद से आई के साथ क्या लगता है? तो यहाँ पर गेव है, गेव यहाँ पी टू है यानी सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव में वाज वर्ब का यूज करते हैं, तो आई के साथ क्या लगता है? वाज का यूज होता है, तो वाज हो जाएगा, और गेव का भीतरी क्या हो जाएगा? गिवेन हो जाएगा। इसके बाद से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? एपीएन है, तो यहाँ एपीएन लिख देंगे, फिर क्या हो जाएगा? बाई, और उसके बाद से ये एजेंट के रूप में ही को यहाँ लिख देंगे, हिम। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो जिस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं उसका भी हम वॉइस बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बनाएंगे। अभी तो हमने देखा कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बना सकते हैं पैसिव वॉइस, लेकिन फिर अगर हमें अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे, आगे देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसिव इसका दूसरा पैटर्न है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से है, और इसमें पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब जैसा कि पीछे आपने देखा, उसके बाद से फिर आपका यहाँ भी थ्री हो जाएगा, उसके बाद से टू या फोर का यूज़ करेंगे। इसमें एक चीज़ है, यदि हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लगाना है, तो हमें क्या करना होता है कि टू या फोर का यूज़ करना होता है। उसके बाद से आ जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आ जाएगा? बाई, और फिर एजेंट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, सी बॉट ही मे कार, ठीक है, एक सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस, सी बॉट ही मे कार, यानी सी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, वर्ब बॉट हो जाएगा, यहाँ पर हिम हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि सजीव है, और एकार जो हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
इसका पैसिव बनाएंगे। पैसिव बनाएंगे तो हमें क्या करना है कि हमें जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एकार है इससे बनाना है, क्योंकि इसके पहले हमने देख लिया है कि किस प्रकार से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या पैसिव बनता है। मैं यहीं पर दोनों का भी बनाकर एक बार फिर से दिखा दूंगा कि दोनों से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों से आप कैसे पैसिव बना सकते हैं आसानी से। तो पहले डायरेक्ट से देख लेते हैं, फिर मैं एक एग्जाम्पल द्वारा समझा दूंगा आपको दोनों से बना करके, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से भी बना करके दिखा दूंगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, एक कार है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है तो इसको हम यहाँ लिख देंगे एक कार। अब वर्ब जो है V2 है, यानी सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में मैंने बताया कि वाज वर्ब का यूज होता है, तो यहाँ पर वाज हो गया, ठीक है, क्योंकि एक कार जो है सिंगुलर है। इसके बाद से वर्ब का V3 वर्ब ही होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें लगाना क्या है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है। तो उसके पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 या 4 का यूज किया गया है पैटर्न में। तो हम क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम है, इसके पहले हम क्या करेंगे 4 लगा देंगे, क्योंकि कार किसके लिए खरीदी गई है, तो उसके लिए खरीदी गई है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 4 का यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देंगे हिम, और फिर यहाँ बाई और एजेंट, जैसा कि बाई एजेंट आप लगाते हुए आए हैं वैसे आप यहाँ यूज कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी पैसिव बना सकते हैं, अगर किसी वर्ब में 2 ऑब्जेक्ट हो, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अब आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्जाम्पल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि दोनों से बनाकर देख लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे दोनों से हम आसानी से बना सकते हैं पैसिव। तो यहाँ देखिए कि सेंटेंस में लिखा है कि राम गेव हर ए बुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, गेव जो है वो वर्ब है, और हर क्या है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए बुक क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। पहला जो पैसिव मैं बना रहा हूँ, ये पहला जो पैसिव है ये मैं बना रहा हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है, यानी कि ए बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बुक, और ये गेव जो है V2 है, यानी सिंपल पास्ट टेंस। तो हमने इसके लिए सिंपल पास्ट टेंस अभी मैंने बताया आपको कि वाज वर्ब लगता है, तो यहाँ पर ए बुक के साथ वाज लग गया। गेव का V3 गिवन होता है, और इसके बाद से हमें लगाना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या होता है 2 या 4 होता है, तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, गिवन 2 होता है तो गिवन 2 लगा दिया। इसके बाद से हर यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर बाई, और फिर यहाँ पर राम जो है एजेंट के रूप में लिख दिया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बना सकते हैं। अगर हमें बनाना होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो दूसरा रूल यहाँ पर है, देख लीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सी जो है, यानी कि हर का सी हो जाएगा, हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे तो सी हो जाएगा। इसके साथ भी वाज ही लगेगा, क्योंकि सी भी सिंगुलर है, और उसके बाद V3 गिव का गिवन हो जाएगा, और तब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे तो ए बुक हो जाएगा, इसके बाद से बाई और राम। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट जो होता है उसका हम पैसिव बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डबल पैसिव की तरह। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट की, अभी तो आपने देखा एक ही सेंटेंस, यहाँ भी देखा, यहाँ भी एक सेंटेंस देखा आपने, यहाँ भी एक सेंटेंस देखा आपने, लेकिन कभी कभी सेंटेंसेस क्या होते हैं ना, कंपाउंड होते हैं। तो जब कंपाउंड सेंटेंस होते हैं तो दोनों पार्ट, यानी जो दोनों पार्ट होता है, यानी दोनों जो प्रिंसिपल क्लज होते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं, उन दोनों पार्ट्स का पैसिव बनाना होता है। तो ये आसान है दोनों पार्ट्स का पैसिव बनाना, अगर आपको बेसिक टेंस वाला वॉइस आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है बेसिक टेंस के वॉइस में, तो आप को वीडियो इसका भी लिंक में दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से या आई बटन से भी आप वहाँ जा करके और क्या कर सकते हैं कि जो बेसिक वॉइस है उसको देख सकते हैं, मैंने पहले पढ़ाया है और अपलोड किया है। तो यहाँ देखते हैं डबल पैसिव में क्या होता है, यानी मैंने अभी बताया आपको कि इसमें क्या होता है ना कि कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, यानी 2 सेंटेंसेज होते हैं। देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। एक्टिव में है दे लूटेड द हाउस एंड टुक अवे द थिंग्स, ठीक है। यहाँ भी देखिए ऑब्जेक्ट है थिंग्स, और यहाँ भी ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द हाउस, यानी और ये जो है ये क्या है वर्ब है, और यहाँ टुक अवे भी वर्ब है। तो ये दोनों के दोनों ट्रांजिटिव वर्ब हैं, तो पैसिव दोनों का बनेगा। अब यहाँ देखिए तो क्या करेंगे कि हम जैसे पैसिव बनाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमने क्या किया द हाउस को यहाँ बना दिया सब्जेक्ट, द हाउस हो गया। अब जो है लूटेड है ये V2 है सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है वाज वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो द हाउस वाज हो जाएगा। लूटेड V3 है तो यहाँ पर V3 लिख दिया इसको, लूटेड को V3, तो यहाँ हो गया द हाउस वाज लूटेड, ठीक है। अब यहाँ हो गया द हाउस वाज लूटेड, और फिर एंड है तो एंड लिख दिया यहाँ पर, और फिर यहाँ ऑब्जेक्ट है देखिए, तो इसको मैंने क्या किया फिर से सब्जेक्ट बना दिया, तो द थिंग्स हो गया। और फिर यहाँ पर क्या है टुक अवे, यानी कि अभी V2 है, V2 है ना, तो हमने क्या किया यहाँ पर कि V2 है तो इसका, यानी सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है वाज वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो थिंग्स यहाँ पर प्लुरल है तो वर्ब लिख दिया यहाँ पर, द थिंग्स वर। अब टेक का टुक का V3 क्या होता है टेकन होता है, अवे का अवे हो जाएगा, यानी कि द थिंग्स वर टेकन अवे, द हाउस वाज लूटेड एंड द थिंग्स वर टेकन अवे। अब यहाँ पर मैंने बाई प्लस एजेंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दे जो है ये क्या है इनडेफिनिट सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर ये अंडरस्टूड है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा।
तो ये हो गया आपका द हाउस वाज लूटेड एंड थिंग्स हाउस वाज लूटेड एंड द थिंग्स वर टेकन अवे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि डबल पैसिव भी बना सकते हैं, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसका भी पैसिव हम बना सकते हैं। अगला देखिए सेंटेंस इसी में है, सी रोट ए लेटर एंड पोस्टेड इट। समझने का इसको भी प्रयास करिएगा, आसानी से ये बन जाएगा, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है ए लेटर, तो ए लेटर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब रोट जो है वी टू है, सिंपल पास्ट टेंस, तो इसके लिए वाज वर, तो वाज लगा दिया, और रोट का भी थ्री रिटर्न होता है, ये हो गया आपका ए लेटर वाज रिटर्न। एंड अब यहाँ ईट है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ईट लगा दिया, ईट। अब यहाँ पर क्या है, ये भी वी टू है, पोस्टेड है ना, वी टू है, तो इसके लिए वाज वर लगेगा, तो यहाँ पर वाज लगा दिया, ईट वाज, और पोस्टेड का भी थ्री पोस्टेड। और बाई हर इसलिए लगाया क्योंकि ये जो सी है ये इंडिफिनिट सब्जेक्ट नहीं है, ये डिफिनिट है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने जेन का यूज़ कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि डबल पैसिव का वॉइस भी बना सकते हैं, जिसमें कंपाउंड सेंटेंस दिया होता है उसका भी वॉइस आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव। अब यहाँ देखेंगे पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव, यानी कि इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वी वन होता है, ठीक है, टू प्लस वी वन होता है, या फिर केवल वी वन भी आप कर सकते हैं, या फिर केवल वी वन भी, केवल वी वन होता है तो उसको आप क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है अगर केवल वी वन होता है तो, ठीक है। और अगर टू वी वन होता है तो इसको क्या कहा जाता है, कौन सा इन्फिनिटिव, तो इसको आप कह सकते हैं फुल इन्फिनिटिव। क्या कह सकते हैं, इसको आप फुल इन्फिनिटिव कह सकते हैं। और अगर वी वन केवल है तो इसको कहेंगे बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है, बी ए आर ई, बेयर इन्फिनिटिव इसको कहेंगे आप। तो देखते हैं इसमें क्या रूल्स होते हैं। इसका जो पहला एक्टिव रूल है वो है देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस वी वन, यानी कि ये जो होता है ये इस प्रकार का पैटर्न होता है, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस वी वन। तो इस प्रकार का अगर आपको पैटर्न आता है तो इसका पैसिव कैसे बनाया जाता है, देयर का देयर रह जाएगा, वर्ब का वर्ब हो जाएगा, नाउन जो है वो वैसा ही रह जाएगा, केवल यहाँ पर टू के साथ हम बी और वी वन को वी थ्री में बदल देंगे, तो ये बन जाएगा आपका पैसिव, यानी देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वी थ्री, तो ये पैसिव बन जाएगा इसका। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि देयर इज नो मनी टू वेस्ट, ठीक है, देयर प्लस वर्ब प्लस ये नो मनी, यहाँ मनी नाउन है और टू जो है यहाँ पर इन्फिनिटिव वेस्ट, मतलब टू प्लस वी वन ये फुल इन्फिनिटिव है यहाँ पर। तो इसको कैसे बनाएंगे हम पैसिव में, तो देयर का देयर हो जाएगा, इज का यूज हो जाएगा, नो मनी हो जाएगा, फिर टू का टू हो जाएगा, इसके बाद से बी का यूज़ करेंगे और वेस्ट जो है ये वी वन, इसको हम वी थ्री में बदल देंगे वेस्टेड, तो इस तरह से बन जाएगा इसका पैसिव। अगला सेंटेंस है देयर इज नो टाइम टू लूज, इसका पैसिव बनाना है तो सेम है, देयर इज नो टाइम वैसा ही रहेगा, उसके बाद से टू वी और फिर लूज का वी थ्री लॉस्ट। तो ये बहुत आसान है, आराम से आप बना सकते हैं इसको, थोड़े से ही मेहनत में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इसे आसानी से सीख सकते हैं और बना सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और वॉइस जो है ये एसएससी के एग्जाम्स में देखें, या फिर आप जो एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में देखें, मतलब लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें कि इंग्लिश पूछी जाती है उसमें वॉइस जरूर पूछता है, यहाँ तक कि सीजीएल में भी बहुत ज़्यादा इसका एक रोल होता है, बहुत अधिक पूछता है अगर मेंस की बात करें तो, या फिर आप देख सकते हैं एकेडमिक एग्जामिनेशन में भी, चाहे टेंथ का है या फिर ट्वेल्थ का है, इसमें भी वॉइस का एक की रोल है, तो इसे आप इसे आपको बहुत अधिक मदद मिलने वाली है इस वीडियो से। तो अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आपको वो सारे रूल्स मिलेंगे जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे, या फिर जो कहीं ना कहीं आप से छूट जाता है ये समझ करके कि वॉइस इतना ही होता है और ख़त्म हो गया। तो वीडियो को अंत तक देखें और इसमें आपको पूरा का पूरा रूल मैंने क्या किया है कि आपके लिए लिखा है और आप आसानी से वॉइस को समझ सकते हैं। अगला रूल है इट प्लस वर्ब प्लस टाइम प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऐसे होता है पैटर्न इसका, इट लगा रहता है उसके बाद वर्ब होता है, फिर टाइम होता है, टाइम लिखा गया होता है, और उसके बाद से टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका पैसिव होता है इट प्लस वर्ब प्लस टाइम, ये तो पूरा का पूरा होता है जैसे कि एक्टिव में वैसे ही पैसिव में होता है, लेकिन यहाँ से बदल जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि फॉर हो जाएगा, फॉर के बाद ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, और फिर टू, उसके बाद से बी और प्लस वी थ्री का इस्तेमाल हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पर इट इज़ टाइम टू डू एक्सरसाइज, ये सेंटेंस हो गया एक्टिव का, इट इज़ टाइम टू डू एक्सरसाइज, मतलब इट इज़ टाइम हो गया यहाँ पर प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको बदलेंगे हम पैसिव में, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ टाइम, ये तो एक्टिव वाला ही हो जाएगा पैसिव में, इसके बाद हम लिखेंगे फॉर, ठीक है, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट जो एक्सरसाइज है यहाँ पर लिख देंगे एक्सरसाइज, इसके बाद से टू और फिर बी और उसके बाद से वी थ्री, टू का वी थ्री क्या होता है, डन होता है। तो इस प्रकार से हम ऐसे सेंटेंसेस का भी पैसिव बना सकते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर है इट इज़ टाइम टू से आवर प्रेयर, ठीक है, इट इज़ टाइम टू से आवर प्रेयर में आप देख सकते हैं यहाँ पर इट इज़ टाइम जो है इट इज़ टाइम यहाँ पर लिख दिया गया है, इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर लगाया गया है, फॉर के बाद आवर प्रेयर जो है ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर लिख दिया हमने आवर प्रेयर, इसके बाद से टू और फिर बी और फिर यहाँ पर वी वन जो है
से का सेड हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि तो इस प्रकार से हम इन्फिनिटिव का भी पैसिव बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम इन्फिनिटिव का भी पैसिव आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसमें देखिए इनएक्टिव वॉइस वी यूज बेयर इन्फिनिटिव, मैंने बताया था बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, केवल वी वन होता है, इसमें टू नहीं लगा होता है, ठीक है। तो हम कुछ एक्टिव वॉइस में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ क्या करते हैं कि जिनके बाद हम केवल और केवल वी वन लगाते हैं, टू वी वन नहीं लगाते हैं एक्टिव में, ठीक है। जैसे ये वर्ब है सी है, मतलब वर्ब परसेप्शन होता है, जैसे सी है, फील है, यहाँ पर मेक भी है, बीड है, हेल्प है, वॉच है, हियर है और लेट है। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ क्या करते हैं हम, इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद केवल वी वन आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद केवल वी वन आता है। तो इसका हम कैसे बनाएंगे पैसिव, है ना, ये क्वेश्चन उठता है कि इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो पैटर्न इसका देखिए ऐसा हो सकता है, पैटर्न क्या हो सकता है, पैटर्न ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकता है एक्टिव में होता है, उसके बाद वर्ब हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर बेयर इन्फिनिटिव यानी कि वी वन केवल। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, केवल वी वन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हो सकता है, इस प्रकार से क्या हो सकता है, इस प्रकार से आप एक्टिव पैटर्न इसका देख सकते हैं होता है। इसके बाद से पैसिव पैटर्न है, पैसिव पैटर्न में क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि पहले जो सब ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस वर्ब, मतलब इस वर्ब के अनुसार हमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब चुन लेना है, फिर इसी वर्ब का हमें वी3 लिख देना है, फिर जो ये बेयर इन्फिनिटिव है केवल वी वन है, इसका टू प्लस वी वन में इसको कर देंगे, यानी कि जब पैसिव बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये बेयर इन्फिनिटिव फुल इन्फिनिटिव में बदल जाता है। फिर अगर आवश्यकता हो तो बाई प्लस एजेंट लिखेंगे, नहीं हो तो नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही मेड मी लाफ, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो वी वन है बेयर इन्फिनिटिव है, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट जो है, ये जो मी ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ सब्जेक्ट रूप में लिख देंगे, तो आई हो जाएगा। अब मेड यहाँ पर जो है, ये मेड वी टू है, यानी वी टू क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, तो इसमें वाज वर्ब लगता है, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। फिर इसका मेड का भी थ्री मेड ही होता है। फिर जो ये लाफ है, इसको हम क्या करेंगे कि फुल इन्फिनिटिव में बदल देंगे, यानी कि टू प्लस वी वन में ये बदल देंगे, तो हो जाएगा आई वाज मेड टू लाफ, और फिर बाई और ही का यहाँ पर हिम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे सेंटेंसेस का भी पैसिव बना सकते हैं। अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दे सा मी सिट इन द पार्क। तो यहाँ पर देखिए मी जो है, मी को आई में बदल देंगे यहाँ पर सब्जेक्ट रूप में, तो आई हो जाएगा, आई के साथ वाज, क्योंकि यहाँ वी टू है सिंपल पास्ट टेंस, तो वाज हो गया, आई वाज, और सा का सीन हो जाएगा वी थ्री, और जो सीट है यहाँ पर जो वी वन है केवल वेयर इन्फिनिटिव, इसको फुल इन्फिनिटिव बदल देंगे, तो टू सीट हो जाएगा, तो आई वाज सीन टू सीट, और ये अदर वर्ड से इन द पार्क, तो इन द पार्क यहाँ लिख देंगे, और एजेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दे जो है यहाँ पर इनडिफिनिट सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि बेयर इन्फिनिटिव के भी पैसिव को बना सकते हैं। आगे कि यहाँ पर नोट दिया गया स्टूडेंट, देख लीजिएगा कि लेट जो होता है, लेट वी यूज बेयर इन्फिनिटिव इन एक्टिव एंड पैसिव बोथ वॉइसेज। लेट के साथ हम क्या करते हैं कि हम बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करते हैं, मतलब विदाउट टू का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो सेंटेंस एक्टिव हो चाहे वो सेंटेंस पैसिव हो, अगर सेंटेंस में लेट का यूज किया गया है तो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ही लेट हर गो, मतलब कि उसने मुझे जाने दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हर है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे सी, फिर लेट जो वी टू है तो वाज हो जाएगा, तो सी वाज, लेट का भी से लेट ही होता है, सी वाज लेट, और यहाँ पर देखिए गो जो है सीधे गो को गो ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटिव फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है लेट के बाद से, केवल बेयर इन्फिनिटिव ही लगता है, चाहे वो एक्टिव हो सेंटेंस चाहे वो पैसिव हो। तो हम केवल यहाँ पर वी वन ही लिखेंगे, यहाँ पर केवल बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद से बाई और प्लस यहाँ पर एजेंट हिम हो जाएगा। अगला सेंटेंस एक और देख लेते हैं, माई ब्रदर लेट मी प्ले क्रिकेट। तो यहाँ देखिएगा मी का आई हो जाएगा और फिर यहाँ पर वाज लगेगा, क्योंकि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और लेट यहाँ वी टू है, और फिर लेट वी थ्री यहाँ हो जाएगा, आई वाज लेट, और यहाँ पर देखिए प्ले जो वी वन है, यहाँ वी वन के रूप में ही यूज होगा, क्योंकि लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव ही आता है, तो यहाँ लेट का लेट ही हो जाएगा, या प्ले का प्ले ही हो जाएगा, सॉरी। इसके बाद से क्रिकेट अदर वर्ड से, तो क्रिकेट लिख दिए, आई वाज लेट प्ले क्रिकेट, और यहाँ बाई माई ब्रदर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि आप आसानी से बेयर इन्फिनिटिव के पैसिव को भी बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और हम अगले पार्ट के साथ अगले अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।